सिय राम प्रेम पीयूष पूरण होत जन मन भरत को मुनि मन अगम यम नियम समदम विषम व्रत आचरत को दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुय समिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठनी हठ राम सनमुख करत को भगवत कथा रसिक श्रद्धालु श्रोतावृंद भक्तिमती देवियों गोस्वामी तुलसीदास जी के संदर्भ में यह 500वां वर्ष है, पंचशती का वर्ष है और इसके संबंध से संदर्भ से गोस्वामी जी के जीवन के जो 5 प्रमुख आस्था केंद्र हैं उनकी चर्चा प्रारंभ की गई है और आज 6वें दिन हम सब उस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्तुत हैं। मुझे विश्वास है कि पूरी एकाग्रता से और तन्मयता से आप उसे सुनेंगे। गोस्वामी जी के आस्था के प्रथम केंद्र हैं उनके गुरुदेव संत नरहर दास, उनकी आस्था का द्वितीय केंद्र है गुरुदेव के द्वारा कही गई रामायण और राम कथा, तीसरी आस्था का केंद्र राम नाम है जिसका उपदेश जिसकी दीक्षा गुरुदेव के द्वारा उन्हें मिली, चौथी आस्था के केंद्र श्री भरत और पांचवी आस्था के केंद्र श्री हनुमान जी। तो अभी आपके सामने जो छंद पढ़ा गया उसमें गोस्वामी जी एक वाक्य के द्वारा यह स्पष्ट कर देते हैं कि प्रभु की शरणागति के लिए जो उनकी आकांक्षा थी उस शरणागति के लिए उनको श्री भरत का आश्रय मिला और उन्होंने यही कहा कि अगर श्री भरत का जन्म न हुआ होता, श्री भरत का चरित्र उनका प्रेम हमारे समक्ष न होता तो इस कठिन कलिकाल में मुझ जैसे दुष्ट को श्री राम के सन्मुख कौन ले जाता। कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत को, किस दृष्टि से श्री गोस्वामी जी यह वाक्य लिखते हैं, क्या उसका तात्पर्य है, आइए आप इस पर दृष्टि डालें सुने। गोस्वामी जी ने एक शब्द जो सबसे पहला है वो यही कहा कि जिस युग में हम रह रहे हैं वह कलियुग है और कलयुग की जो व्याख्या पुराणों में यह श्री रामचरित मानस में की गई है उसको पढ़ करके वो कह सकते हैं कि जैसे कभी कभी समाज की मान्यताएं, समाज की आस्थाएं और समाज के चिंतन का आप देखेंगे कि उसमें परस्पर एक भिन्नता और परिवर्तन आ जाता था, तो हमारे ऋषियों ने पुराणकारों ने इस सत्य को अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि सृष्टि में जैसे प्रकृति का चक्र अनिवार्य है, अभी शीत ऋतु है गर्मी आवेगी वर्षा ऋतु आवेगी और उन ऋतुओं में विशेषता और कष्ट दोनों होगा, तो यदि हम चाहे भी कि हमारे अनुकूल ही ऋतु हो तो संभव ही नहीं। कौन ऋतु तो प्रकृति का एक नियम है और उस नियम के अनुकूल वे ऋतु आएंगे और तब विवेकी कौन है, बुद्धिमान कौन है कि वह जिस ऋतु की जो समस्या है उस समस्या के लिए अपने आप को प्रस्तुत करें।
और इसलिए आपका वस्त्र बदल जाता है ऋतुओं के अनुकूल। आयुर्वेद भोजन परिवर्तन करने की बात कहता है, तो ये परिवर्तन तो स्थूल परिवर्तन है जो प्रकृति में होता है, पर वह परिवर्तन जिसको हम मानसिक परिवर्तन कहते हैं, कब वह भी ठीक उन्होंने चार नामों से काल का विभाजन किया और विभाजन करते हुए उन्होंने कहा कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और उस समय लोगों के मन की जो प्रकृति है उसमें भिन्नता होती है। उन्होंने जब वर्णन किया, और आप विशेष रूप से यह संकेत पाएंगे कालभूषुंडी जी की आत्मकथा में, कालभूषुंडी जी से गौड़ जी ने प्रश्न किया कि आपको यह काक शरीर कैसे मिला, आपकी पूर्व कथा क्या है। तो उस समय उन्होंने एक सूत्र दिया, और वो सूत्र मानो चिंतन की जो हमारी वृत्ति है, समाज की वृत्ति है, उसका परिचायक। और उस प्रसंग में उन्होंने ये कहा कि मेरा जन्म कलयुग में हुआ तो इतने में ही समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने विस्तार से कलि के लक्षणों का वर्णन किया। और उस वर्णन को यदि आप पढ़ें तो आपको ऐसा लगेगा कि इस युग में सारी धारणाएं और मान्यताएं व्यक्ति की और समाज की बदल जाती, और यह दिखाई भी देता है, इसका अनुभव भी होता है। और उसको गोस्वामी जी ने दो रूपों में स्पष्ट करने की चेष्टा किया। कृपया पूरी तरह से इस पृष्ठभूमि को एकाग्रता से सुनेंगे। कल जब राम के नाम की महिमा का प्रसंग चल रहा था तो गोस्वामी जी ने कलयुग के लिए दो नाम चुने। एक तो उन्होंने ये कहा कि कलयुग हिरण्यकश्यपु है, और उसी के साथ अगली पंक्ति में है कि कलयुग जो है वो कालनेमी है। राम नाम गोस्वामी जी जब कहते नर केसरी कनक कश्यपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिनि पालहि दलि स्वरसाल। और अगली पंक्ति में कहते हैं काल नेम कलि कपट निधानु नाम सुमत समरथ हनुमानु। कलयुग को की स्थिति का वर्णन करने के लिए उन्होंने ये दो पात्रों को जो चुनाव किया उसका क्या उद्देश्य है। हिरण्यकश्यपु स्वयं इतना प्रतापी, इतना अत्याचारी, इतना शक्तिशाली था, और गोस्वामी जी इतना लिख सकते थे, कह सकते थे कि कलयुग जो है वो हिरण्यकश्यपु है और राम नाम भगवान नृसिंह है, जप करने वाला प्रहलाद। पर उन्होंने ये कहा कि कलयुग हिरण्यकश्यपु भी है और कलयुग जो है वो कालनेमी भी है। तात्पर्य क्या है? हिरण्यकश्यपु वह व्यक्ति है कि जिसने अपने आप को भगवान का नाम लेने से रोका, भगवान के नाम के रोकने के लिए उसने बड़े से बड़े कष्ट दिए, और कालनेमी से ठीक उल्टा है। और वो उसका उल्टापन ये है कि जब हनुमान जी श्री लक्ष्मण के लिए दवा लेने जा रहे थे, हनुमान जी को मार्ग में प्यास लग गई, हनुमान जी को दिखाई पड़ा एक बड़ा सुंदर आश्रम है और कोई महात्मा बैठे हुए हैं, उन्हें लगा कि मुझे प्यास भी लगी है, थकान भी कुछ लग रही है, तो यहाँ तो आश्रम है, महात्मा जी से आज्ञा लेकर के मारुत शुभ सुत देखा शुभ आश्रम मुनि पूछ जल पियूं जाई श्रम। हनुमान जी ने आकर के प्रणाम किया। महात्मा के रूप में वह कौन था? कालनेमी था। अभी हिरण्यकश्यपु से इसका स्वभाव बिल्कुल उल्टा है। हिरण्यकश्यपु भगवान का नाम लेने से रोकता है और कालनेमी भगवान की कथा सुनाता। बड़ा सूक्ष्म संकेत है। इसका अभिप्राय है कि हिरण्यकश्यपु के रूप में कलयुग को पहचानना सरल है, पर कालनेमी के रूप में कलयुग को पहचानना बहुत कठिन है, क्योंकि हनुमान जी को देखते ही ये कहा कि बेचारा मैं जानता हूं तुम लंका से आ रहे हो,
लंका में श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा है और मैं तो भविष्यवाणी करता हूं कि इसमें राम अवश्य जीतेंगे। अब हनुमान जी को इससे बढ़कर के प्रसन्नता क्या हो सकती है कि कोई व्यक्ति श्री राम रावण का युद्ध और उसमें श्री राम की विजय की घोषणा करे तो प्रसन्न होना स्वाभाविक था। और इसका तत्व यह है कि कलयुग की समस्या यह है कि इस युग में बुराई बुराई के रूप में भी आती है और बुराई अच्छाई का रूप बना के भी आती है। और बुराई बुराई के रूप में भी आवे तो समझ लेगा व्यक्ति कि यह व्यक्ति तो बुरा है, लेकिन अगर कोई अच्छाई बुराई का रूप धारण कर ले तो इसका अभिप्राय यह है कि यह जो कालनेमी है इसमें कपट और दम्भ की प्रधानता है। और हिरण्यकश्यपु के जीवन में कपट और दम्भ नहीं है, वहां अहंकार और क्रोध है। मैं फिर कहूंगा कि आप पूरे एकाग्र रहेंगे तो अहंकार इतना प्रबल है कि वो अपने आप से भिन्न किसी ईश्वर की सत्ता नहीं मानता और ईश्वर की सत्ता को उसने सर्वथा अस्वीकार किया। और आप सोचें कभी कभी घटनाएं आपको पढ़ने को मिलती हैं, एक व्यक्ति नास्तिक था, ये चमत्कार देखा और वास्तविक हो गया। पर हिरण्यकश्यपु ने जितने चमत्कार देखे वो कहां देखने को मिलेंगे। उसने अपने पुत्र को पर्वत से गिरवाया नहीं मारा, समुद्र में डाल दिया नहीं डूबा, अग्नि में डाल दिया नहीं जला। छोटे से चमत्कार से लोग प्रभावित हो जाते हैं। इतने चमत्कार आने के बाद भी जो ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करता रहा वो कितना अभिमानी होगा, आप इसकी कल्पना कर लीजिए। और प्रभावित क्यों नहीं होता है, उसका एक कारण है कि अगर किसी ने ये कहा कि आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि इतने चमत्कार भगवान के भक्त के भगवान के नाम के प्रहलाद के जीवन में दिखाई दे रहे हैं, अग्नि जलाती नहीं, जल डुबोता नहीं, पर्वत करता नहीं, सर्प दसता नहीं, तो क्या इससे भगवान के नाम की महिमा प्रकट नहीं होती। और हिरण्यकश्यपु कहता है कि अच्छा यह बताओ कि अगर कोई व्यक्ति आकाश में उड़ने लगे तो चमत्कार है, लेकिन पक्षी को आकाश में उड़ते देख करके क्या लगता है कि कोई बड़ा चमत्कार है। ये जितनी विशेषता प्रहलाद में है वो मेरा बेटा होने से है, किसी ईश्वर से नहीं। धर्म तो था, हिरण्यकश्यपु को भी अग्नि नहीं जला सकती थी, इतनी साधना के द्वारा उस स्थिति में पहुंच गया था कि सारी प्रकृति पर अधिकार कर दिया था। उसे कहा समुद्र मुझे नहीं डो सकता, अग्नि मुझे नहीं जला सकती, तो मेरा पुत्र होने से अगर इसमें आ गया तो इसमें विशेषता क्या, इसमें ईश्वर की सत्ता मानने की क्या आवश्यकता, इतना बड़ा अभिमानी। और क्रोध की वृत्ति इतनी प्रबल है, इसलिए गोस्वामी जी ने भगवान राम से विनय पत्रिका में कहा कि महाराज आपने प्रत्येक युग में किसी न किसी संकट में पड़े हुए भक्त के उद्धार के लिए उतार दिया, पर तुलसीदास जी के जीवन में, इस तुलसी के जीवन में तो तीनों युग की समस्या एक आ गई, और ऐसी स्थिति में इसका उद्धार नहीं करिएगा तो कौन करेगा। तो उन्होंने कहा कि सतयुग की क्या समस्या है, बोले महाराज ये जो हिरण्यकश्यपु है इसको गोस्वामी जी ने कहा क्रोध ही हिरण्यकश्यपु है। और फिर दूसरा वर्णन किया कि प्रभु ग्रह गज और ग्राह का जो संबंध है, हिरण्यकश्यपु का भी इतिहास मेरे जीवन में और गज और ग्राह का भी, गज को ग्राह ने पकड़ लिया। कौन है ग्राह, उन्होंने कहा कि जो जीवन का लोभ है वही जो है वो ग्राह है। और उन्होंने कहा द्वापर युग में जैसे दुशासन ने द्रौपदी का चरण हरण किया था, इसी प्रकार से मेरे जीवन पर भी, मेरे जीवन में भी दुशासन आ गया। दुशासन कौन है, उनका काम आपने पत्रिका को अवश्य पढ़ा करें, वो बड़ा ही गंभीर और रहस्यमय ग्रंथ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु देखिए तो एक और धनुजेस क्रोध और कहिए जो दुर्योधन का बंधु है वो मार, लोभ का ग्रास, काम का दुशासन
और क्रोध का हरण कश्यपु मेरे जीवन में मानो काम क्रोध लोभ तीनों है। तो क्रोध कहने का अभिप्राय यह है कि भाई जो व्यक्ति क्रोध में इतना उस सीमा तक चले चला जाए कि पुत्र को मार डालने को प्रस्तुत हो जाए, तो इससे बढ़कर के किसी व्यक्ति के जीवन में क्रोध हो सकता है? क्रोध में दूसरे पर प्रहार कर दे या अपने बच्चे पर भी है तो चाटा मार दे, लेकिन हत्या की चेष्टा इतनी करे, तो इसका अभिप्राय यह है। यह जो हिरण्यकश्यपु के रूप में क्रोध है जो द्वैत बुद्धि की पराकाष्ठा है, और द्वैत बुद्धि का अभिप्राय है कि क्रोध बिना द्वैत के आता नहीं। कहो रामायण में आप पढ़ते हैं क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। तो द्वैत अहंकार से उत्पन्न होता है और इस द्वैत से ही व्यक्ति के अंतःकरण में क्रोध आता है। गोस्वामी जी कहते हैं यह हिरण्यकश्यपु क्रोध है और लोभ ग्राह कुरुराज बंध खलवार। इसका अभिप्राय यह है कि जैसे व्यक्ति जल वो गज जो था जल पीने के लिए सरोवर में गया, तो सरोवर मानो धन है, अर्थ है, और वह कोई व्यक्ति सपरिवार इस आशा से लोभ स्वीकार करता है कि हमारी प्यास मिटेगी, पर जब वो प्यास मिटाने जाए तो जल ही नहीं है, जल में बैठा हुआ ग्राह भी है। पर लोभ की वृत्ति अर्थ के द्वारा तो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, पर जब उसमें लोभ का ग्राह आ जाए तब वो तो ऐसा खींचता है कि वो नीचे ही खींचता चला जाता है। और बहुत बढ़िया बात आती है, अब वो जितने थे उसको प्रारंभ में तो बचाने की चेष्टा करते हैं पर डर गए बाद में, और हथी हथनी कि कहीं इसके साथ हम भी न चले जाए। और इसका अर्थ है जब कोई लोभ के मार्ग पर चलता है तो प्रारंभ में तो बहुत से परिवार मित्र दिखाई देते, पर जब देखें कि अरे भाई ये तो कोई बड़ा संकट आ गया, विपत्ति आ गई, तो चलो भाई छुट्टी पाओ, इनके साथ कहीं मेरा नाम न जुड़ जाए, यह लोभ की प्रवृत्ति में दिखाई देता है। और दुष्टासन जो है, जो नग्नता एक जीवन का अंग है गार्हस्थ जीवन में पति पत्नी के संदर्भ में, पर जो परस्त्री को भी भरी सभा में नग्न करने की चेष्टा करे, ऐसा जिसका घृत काम वह काम की वृत्ति है, वह दुशासन है। वो स्वामी जी ने कहा कि आप अवतार लेकर के ऐसी कृपा कर दीजिए कि तीनों समस्याओं से मुझे मुक्त कर दीजिए। तो हिरण्यकश्यपु वह व्यक्ति है जो क्रोध और अभिमान से भरा हुआ, लेकिन वह क्रोध और अभिमान से भरा हुआ जो हिरण्यकश्यपु है भगवान के नाम को लेने में संसार को उसने भले ही रोका हो, लेकिन अपने नन्हे बालक को प्रहलाद को नहीं रोक पाया। और प्रहलाद अद्वैतवादी है, अद्वैत माने वे कहते हैं हमारा ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर को छोड़कर और कुछ नहीं। और हिरण्यकश्यपु कहता है ईश्वर है ही नहीं, और वो कहता है कि समाज के व्यक्तियों अगर तुम्हें ईश्वर की आवश्यकता है तो क्या मैं स्वयं नहीं हूं, तुम मुझे ही पूजा कर लो। अब ऐसी स्थिति में कलयुग का वह पक्ष जो मान लीजिए धर्म की निंदा करे, धर्म आदि को रोके, और निंदा और रोकने के साथ साथ वह प्रयास करे कि समाज में नास्तिकता आवे, का समाज में लोगों के विचार भोगवादी बने, लोगों के अंतःकरण में इन धर्म और आस्था के प्रतीकों को सर्वथा मिटा दिया जाए, कलयुग का ये पक्ष स्वाभाविक दिखाई भी देता है अनेक लोगों के जीवन में। किंतु यह जो कालनेय है ये क्या, ये दंभ और कपट व्याप रहे संसार मह माया पटक प्रचंड सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड। दंभ और कपट का अंतर आप जानते होंगे, कपट का अर्थ है का जो व्यक्ति जैसा है उसको छिपाने की चेष्टा करे तो इसका नाम कपट है, और दंभ का अर्थ है जो नहीं है जैसा नहीं है वैसे दिखलाने की चेष्टा करे तो दंभ है। तो वस्तुतः कपट और दंभ एक साथ ही दिखाई देते हैं। मारी जब रावण जब सीता जी का हरण करके हरण करने के लिए जाता है तो कपट मृग लेकर के जाता है, पर कपट मृग के साथ साथ फिर वो जब कपट मृग के पीछे प्रभु भागते हैं तो साधु के वेश में सीता जी के सामने आता है,
साधु का दुश्मन है दम्भ, मारीच कपट है और रावण साधु के रूप में दम्भ है। और तब तो स्वामी जी का अभिप्राय यह है कि कलयुग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसमें सबसे अधिक प्रभाव दम्भ का ही होता है और व्यक्ति की धारणाएं परिवर्तित हो जाती है और उसमें जितनी आलोचना सबकी की गई कि कोई ऐसा वर्ण नहीं, कोई ऐसा धर्म नहीं, कोई ऐसी धारणा नहीं है कि जो समाज में बदल न जाती हो। आप वक्ता से जी तो कथा सुनेंगे, रामायण सुनेंगे, कथा सुनेंगे तो वक्ता अब कालने में राम कथा सुनाता है। अब अगर कोई राम कथा सुनावे तो आप तो कहेंगे कि भाई बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अब गोस्वामी जी तो इतनी कड़वी बात लिख देते हैं और गोस्वामी जी क्या लिख देते हैं, क्या भूषण जी ने कहा और उसमें विचित्र वाक्य कहा गया कि वक्ता कलयुग में कौन होते हैं। वक्ताओं से मैंने इसलिए प्रारंभ किया कि आप लोग यह समझे कि दूसरों के हाथ दोष देख रहे हैं। मैं वो कहते हैं कि मन क्रम वचन लबार ते वक्ता कलिकाल में, जो मन से वचन से कर्म से झूठे हैं वही कलयुग में वक्ता है। और फिर दूसरा व्यंग करते हैं, वक्ता प्रसन्न करने के लिए चुटकुले सुनावेगा, हंसी की बात करेगा, विरोध तो क्या कहते हैं, कल जो का झूठ मसखरी जाना कलयुग को सुन गुणवंत बखानो, जो जितना मसखरी की बात हंसा दे और व्यक्ति को मनोरंजन करके निरंतर ऐसी स्थिति में ला दे, बोले कहेंगे बड़ा बड़ी पंडित मन क्रम वचन लबार थे वक्ता कलिकाल में, और जो कह झूठ मसखरी जाना कलयुग में सोई गुणवंत बखाना। और फिर पंडित और आचार्य जी महात्मा जी वो कौन है, बोले जो कर दम्भ सो बड़ा आचार्य, जो सबसे बड़ा दम्भी वह आचार्य माना जाएगा, जो मन क्रम वचन से असत्य बोलता है वह वक्ता बन गया, जो झूठ और मसखरी का उपयोग करता रहता है वो लोगों की दृष्टि में कलाकार हो गया। और फिर दुख में रहते हुए गोस्वामी जी ने कहा वो समस्या उनके समय से शुरू हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि पहले तो लोग वेद शास्त्र पुराणों के द्वारा अपनी बात सिद्ध करते थे, पर गोस्वामी जी के समय वो एक परंपरा ऐसी चली थी कि जो वेदों की निंदा करते थे, पुराणों की निंदा करते थे और कहते थे कि वेद पुराणों में वो क्या है जो हमारे पास है। गोस्वामी जी को दुख होता है और दुख में वे कहते हैं कि क्या बता रहे, सबदी साखी दोहरा कई कहनी उपखान, आज भगवान की भक्ति का निरूपण या तो शब्दी के द्वारा हो रहा है, ये निर्गुण निराकार परंपरा में ग्रंथ है उसका नाम शब्दी है, उस परंपरा में बहुत से लोगों के जो पद है उनका नाम साखी है, और फिर वो एक नए प्रकार की राष्ट्रमयी भाषा में कहानियां बना के और नए नए उपाख्यान गढ़ते थे। तो वो स्वामी जी ने कहा कि क्या स्थिति हो गई है कि शब्दी साखी दोहरा कहीं कहनी उपखान, और भगत निरूपण भगत कल निंदे वेद पुराण, पुराण वेद की निंदा करते हैं और इसके लिए इन वस्तुओं का आश्रय लेते हैं। वो स्वामी जी को भी अपने समय में अनुभव हुआ था और वो प्रत्येक समाज में उसका तो सचमुच यह वृत्ति, और उस वृत्ति में मानो श्रोता वक्ता सभी तो समान रूप से सम्मिलित है, वक्ता सम्मिलित है तो श्रोता भी उसी में सम्मिलित है। वो स्वामी जी ने कहा भाई संतों की बड़ी महिमा बता दी गई, पर कलयुग में सबसे श्रेष्ठ संत कौन माना जाएगा। अब उन्होंने कह दिया मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, जो झूठ बोलने की कला में अत्यंत निपुण हो और सबसे बड़ा दम्भी हो तो कहा संत, उसे संत किसे, उन्होंने कहा किसी ने कहा कुछ लोग मानते होंगे कुछ लोग नहीं, ताकह संत कहे सब कोई, सारे के सारे लोग कहते हैं तो बहुत बड़े संत है, मानो दृष्टि परिवर्तित है, संत विद्वान वक्ता कलाकार सबकी धारणाओं का परिवर्तन, जो अपने आप को सन्यासी मानते हैं, जो गृहस्थ मानते हैं, जो विविध वर्ण वाले हैं, सब में ऐसी विपरीत धारणाएं और वृत्तियों का उदय होता है कि वो स्वामी जी ने उसका वर्णन किया। और उसका तात्पर्य है कि उसी प्रकार की मान्यताएं समाज में प्रचलित हो जाती है, उसी को ठीक मानता है, उसी में गुण देखता है। अब ऐसी प्रतिकूल स्थिति में कैसे व्यक्ति, जब हनुमान जी को कुछ समय के लिए भ्रम हो जाए तो हम सबको भ्रम हो
तो कोई आश्चर्य तो नहीं होना चाहिए। हनुमान जी ने तो प्रारंभ में उसको महापुरुष संत ही माना, और यह है कालनेमी जिसे रावण ने भेजा है। रावण के भेजने का उद्देश्य आध्यात्मिक यह है कि लक्ष्मण के रूप में वैराग्य मूर्छित है और मेघराज ने ऐसी शक्ति का प्रयोग किया है कि लक्ष्मण के रूप में जो वैराग्य है लखन राम सीता सहित तो राजत पर्ण कुटीर भगत ज्ञान वैराग्य जनो सोत धय शरीर। और हनुमान जी है प्रबल वैराग्य दारुण प्रबल जनकर है, लक्ष्मण जी वैराग्य है, हनुमान जी प्रबल वैराग्य है। इसको कमी के अर्थ में न देखिएगा। बहिरंग रूप से लक्ष्मण जी गृहस्त है और बहिरंग रूप से हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है, और उस संदर्भ से वैराग्य के दोनों रूप है। वैराग्य मूर्छित है, भक्त देवी लंका में बंदनी है और ज्ञान और मोह का युद्ध चल रहा है, लंका के दुर्गुणों से लड़ाई चल रही है और उसमें काम सफल हो गया है। हनुमान जी औषधि लेने जा रहे हैं। कथा का फल यही है कि हमारे जीवन में अगर ज्ञान का उदय हो रहा है, वैराग्य की स्थिति कुछ आगे बढ़ रही है, और हमारे जीवन में अगर भक्त रस का सही अर्थों में भक्त रस का उदय हो रहा है, तो भगवान के चरित्र का, भगवान के नाम का यही उचित प्रभाव है। अब यहां पर रावण जाता है कालनेमी के पास और यही कहता है कि तुम तो बड़े कलाकार हो, तुम तो दम्भ के ऐसे साकार विग्रह हो। और जा रहा है बंदर, और सूर्योदय से पहले अगर दवा ले आनेगा तो लक्ष्मण जीवित हो जाएंगे, इसलिए ऐसा उलझाओ कि सूर्योदय तक तुम ऐसा उपदेश दो कि वहीं रुका रह जाए, दवा ना आवे, लक्ष्मण की मृत्यु हो जाए। और जब लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी तो राम तो निराश हो जाएंगे कि लक्ष्मण के बल से लड़ रहे, और उसके साथ साथ सीता तो या तो मेरी बात मानने को बाध्य है या प्राण दे दे। माने रावण का उद्देश्य है ज्ञान वैराग्य भक्ति का विनाश। और हनुमान जी जब जाते हैं तो मारीच जब राम कथा सुनाता है तो देखिए ना, कथा का उद्देश्य है ज्ञान वैराग्य और भक्ति की वृद्धि, और उसकी योजना है ज्ञान वैराग्य भक्ति का विनाश। और उसकी कसौटी है आप उन्नति कर रहे हैं कि औनति कर रहे हैं, क्या इसके लिए क्या दूसरे से पूछना पड़ेगा क्या? आपके आंख में जो आप कहते हैं हम दवा लगा रहे हैं, आंख में दवा डाल रहे हैं, लाभ है कि नहीं इसको दूसरा बता भाई। आपको अगर पहले से अच्छा दिखाई दे रहा है तो दवा काम कर रही, और पहले से भी कम दिखाई देने लगा तो समझ लीजिए किसी काम की दवा नहीं। तो ये तो प्रत्येक साधक को समझना है कि उसके जीवन में इन वृत्तियों की वृद्धि हो रही है कि नहीं। नहीं हो रही है तो अपने आप को उलझाए हुए है, मार्ग में ऐसे पथ में बैठा हुआ है। वहां पर वो कथावाचक हनुमान जी को राम के दवा के पास नहीं पहुंचाना चाहता, औषधि से दूर रखना चाहता है। और उसमें फिर चाहता क्या है, बस वही हनुमान जी ने जब सुना तो हनुमान जी तो राम का गुण सुन रहे थे, पर हनुमान जी को लगी थी प्यास, महाराज मुझे प्यास लगी है। उसने कहा कमंडल लेकर के किए ले लो पी लो जल। अब वो कमंडल में उसने क्या मिला रखा था ये तो वही जाने, हनुमान जी ने तो कमंडल का जल पिया नहीं। तो दंभी जो है अपने कमंडल में क्या क्या रखता है और क्या क्या उसका उपयोग करता है, हो सकता है उसमें ऐसी दवा हो जो हनुमान जी को मूर्छित कर दे, हो सकता है कि उनके प्राण भी चले जाए। अभी तक हनुमान जी कालनेमी को नहीं पहचान पाए, लेकिन एक बात तो थी, हनुमान जी ने कहा महात्मा जी कमंडल से अपनी प्यास तो नहीं बुझेगी, बहुत बड़ी रक्षा हो गई। कमंडल के जो प्यासे होते हैं वो तो बेचारे मरते ही है या तो बेहोश होते हैं, रेलगाड़ियों में होता है ना, अरे आप साथ जा रहे हैं मैं तो पूरी से आराम लीजिए प्रसाद, बेचारे यात्री ने प्रसाद खाया उसने या तो जहर मिला है या बेहोशी की दवा, और वो बेहोश हुआ मर गया, उसको लूट लेता है वो जो ठग और चोर वृत्ति का है। कैसी प्रकार से मानो जो थोड़ी सी वस्तुओं के लिए ही चमत्कारों का आश्रय लेते हैं वो व्यक्ति जल्दी उलझते हैं। बड़ी स्वाभाविक बात है, जो नोट को दूना बनवाया ना बनवाना चाहेगा ठगा तो जल्दी हो ही जाएगा, व्यापार करके नोट बढ़ाना चाहेगा तो ठगने की कम ठगाने की संभावना, पर एक ही क्षण में रोग दूरा हो जाए, रोज हर साल घटना निकलती। और इसका अर्थ है कि इस युग में
सारी वृत्तियां इतनी बदल गई हैं, व्यक्ति इतने बदले हुए हैं कि उन्हें पहचाना नहीं जा सकता। तब हनुमान जी से कहना पड़ा कि अब कमंडल उनसे नहीं प्यास बुझाएगी तो सरोवर में चले जाओ। हनुमान जी जब जाने लगे तो उसका रूप धीरे धीरे सामने आने लगा। उसको एक चिंता हुई कि मैंने इतनी सिद्धि चमत्कार की बात सुनाई पर ये बोला कुछ नहीं, एक बार भी नहीं कहा कि महाराज आप तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, आपकी दृष्टि तो बड़ी व्यापक है, मेरी महिमा का एक वाक्य भी इसने नहीं कहा। तो नहीं रहा गया, उसने कह दिया कि देखो पियो जल, स्नान करो और जल्दी आओ। क्यों? बोले सर मज्जन करी आतुर आवहु, दीक्षा देऊ ज्ञान दे पाऊ। मैं साओ दीक्षा ले लो और जो ही मुझसे दीक्षा लोगे तो दिव्य दृष्टि मिल जाएगी। धन्य है वो धम्म जो हनुमान जी को भी दीक्षा देना चाहता है, जो हनुमान जी को ये कहता है कि आपको दिव्य दृष्टि मिल जाएगी। और विचित्र बात है, इतने पर भी हनुमान जी ने नहीं पहचाना। माने दम कितना कठिन है पहचानना, इसकी ओर संकेत। लेकिन दम से बचता कौन है? जो भगवान के सहारे भगवान से ही निवेदन करता है कि हम कैसे संसार के बुराइयों को वृत्तियों को पहचान पाएंगे, कैसे बचेंगे, आपके सहारे। तो हनुमान जी तो प्रभु के अनन्य भक्त हैं और इसीलिए प्रभु ने बड़ी कृपा कर दिया। किसे कई सज्जन पूछते हैं कि जब उसने नकली सरोवर बनाया था तो उसमें मकड़ी कहां से आ गई? और मैं यही कहता हूं कि उसने अगर अपनी माया से नकली सरोवर बनाया तो हमारे प्रभु क्या अपनी माया से मकड़ी नहीं बना सकते हैं क्या? कहा अगर उसने नकली सरोवर बनाया तो प्रभु बड़े कौतुकी है, उसमें एक मकड़ी है। हनुमान जी जब गोता लगाते हैं तो उस मकड़ी ने पकड़ करके हनुमान जी के पैर को जो खींचा, अरे ये तो मुझे खाने के लिए खींच रही है। हनुमान जी जब मारने को चले तो मकड़ी ने कहा कि पैर पकड़ना तो बड़ी श्रद्धा की बात है, मैं पैर पकड़ रही हूं आप मार रहे? तो हनुमान जी ने कहा जो श्रद्धा से प्रणाम करे वो ना पैर पकड़ना है, और जो पैर पकड़ कर खा जाना चाहता है उसको तो मारना ही पड़ेगा। तो मकड़ी ने कहा याद रखिए, वो जो आपको दीक्षा देने के लिए निमंत्रण दे रहा है वो जो गुरु है, यहाँ आपने देखा नकली शिष्य कैसा होता है, पैर पकड़ रहा है और खाने के प्रयत्न में, और वो गुरु मुनि न हो यह निश्चर घोरा, यह मुनि नहीं है यह घोर निशाचर है। माने जब भगवान कृपा कर दे तब व्यक्ति दम्भ को पहचान पाता है, नहीं तो नहीं पहचान पाता। और हनुमान जी को वह कृपा उस कालनेमी के सरोवर में भी प्रभु ने बचाने का सूत्र दे दिया। और एक बार जब हनुमान जी पहचान गए तो फिर हनुमान जी ने आते ही कहा कि महाराज आपने दीक्षा देने के लिए कहा था, दीक्षा के बाद दक्षिणा दी जाती है, पर मैं सोचता हूँ आपको दक्षिणा पहले दे दूं और दीक्षा आप बाद में दे दीजिएगा। और तब हनुमान जी ने तुरंत उसके सिर में अपना लंगूर लपेटा और सिर लंगूर लपेट पछाड़ा, और सचमुच दक्षिणा बहुत मूल्यवान थी। मूल्यवान क्यों थी? बोले निजतनु प्रगटे से मरती भारा, हनुमान जी के सामने अपने वास्तविक रूप में आ गया। मानो संकेत यह है कि हनुमान जी के द्वारा वह प्रहार हुआ कि जिसके द्वारा उसकी वास्तविकता वास्तविक रूप में आ गई। गोस्वामी जी जब कहते हैं कि कलयुग जो है वह कालनेमी भी है और हिरण्यकश्यप भी है, तब कैसे व्यक्ति क्या करे? तो गोस्वामी जी यही बात कहते हैं कि आप राम नाम का, प्रभु के नाम का आश्रय ले लें तो प्रभु के नाम का आश्रय लेने से आप, और यही प्रार्थना करते रहें कि प्रभु हम सक्षम नहीं हैं, हम अपने में ही जो दम है, क्या दम दूसरों में होता है क्या? क्या हम में और आप में सब में दम नहीं है? क्या सबके जीवन में कपट नहीं है? हम सभी तो उस त्रुटि से कहीं न कहीं ग्रस्त है। तो मानो नाम का जब आश्रय लेकर के नाम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो नाम भगवान के प्रसन्न होकर के चाहे वो नृसिंह बन जाते हैं और चाहे हनुमान बन जाते हैं और उसका विनाश हो जाता है। नृसिंह के रूप में भगवान के रूप में, हनुमान जी के रूप में भक्त के रूप में, नाम के आश्रय के द्वारा उनकी रक्षा होती है। ये गोस्वामी जी ने संकेत किया। गोस्वामी जी ने कहा कि मेरा जन्म तो इस घोर कलयुग में हुआ और उस कलयुग का ही जो दर्शन है समाज में परिव्याप्त है, और जब समाज में वह दर्शन पर परिव्याप्त है तो मैं तो भगवान की शरण में जा ही ना पाता।
कैसे चले गए? बोले कलिकाल तुलसी से सठल, बहुत बड़े महत्व की बात। वो ये नहीं कहते कि दूसरे दुष्ट हो गए, वो कहते मैं भी तो उसी में हूं। तो कलिकाल तुलसी से सठल, कलयुग में श्री भरत जी भगवान राम के सामने ले जाते हैं। अब आइए यहां पर बैठावे कि भरत के चरित्र में ऐसा क्या है कि जो गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जो है वो मुझे श्री राम के सन्मुख कलयुग में ले गए। और तब आप भरत चरित्र के मूल तत्व पर विचार कीजिए। महारानी कैकेयी के द्वारा श्री राम को वन दे दिया गया, लक्ष्मण और सीता वनवासी हो गए, श्री भरत को राज्य देने की योजना बनी, और यह सब जो घटित हुआ यह कैकेयी क्या है? कैकेयी को लेकर के बड़ी विपरीत धारणाएं प्रचलित हैं। कई लोग कैकेयी की प्रशंसा कविता के रूप में भी बार बार अच्छी कविताएं की हैं लोगों ने, और कई जो सत्पुरुष हैं जिन्हें मैं अच्छा मानते हैं का उन्होंने भी कैकेयी को बहुत श्रेष्ठ सिद्ध किया है। अब ये एक सिद्ध किया कि कैकेयी तो बहुत ही उच्च कोटि की हैं, या उन्होंने जो कुछ किया वो लोक कल्याण के लिए किया। मैं विनम्रता पूर्वक यही कहता हूं कि ठीक है, आपको अगर कैकेयी जी के विषय में यह धारणा है तो मुझे उसका खंडन नहीं करना, पर कृपया रामायण का नाम मत लीजिए। तुलसीदास कैकेयी को अच्छा मानते हैं ये अगर आप कहते हैं तो आप बिल्कुल अन्याय करते हैं, अनर्थ करते हैं। गोस्वामी जी की दृष्टि में कैकेयी घोर निंदनीय है, और आप रामायण में ही नहीं, गोस्वामी जी तो उनका एक 12 ग्रंथों में एक ग्रंथ है रामाज्ञा, गीता प्रेस से जो पुस्तकें तुलसीदास जी की छपी हैं उसमें एक छोटी पुस्तिका रामाज्ञा प्रश्नावली के नाम से भी मिलती रही है। उसमें गोस्वामी जी ने शकुन विचार किया है और व्यक्ति के भविष्य के फल बताए, और उसमें अलग अलग लोगों का नाम लिया है। तो उन्होंने कौशल्या जी के रूप में जो वंदना किया, कौशल्या जी का जो फल लिखा लिखा, ये जो कौशल्या जी है ये साक्षात श्री राम की नामा है, और ये कौशल्या जी जो है सकल सुमंगल भूल है। सुमित्रा जी के लिए कहा कि जो सुमित्रा जी का स्मरण करता है, सुमित्रा जी का स्मरण करने से उसको लक्ष्मण और शत्रुघ्न के समान पुत्र प्राप्त होते हैं, और पति के प्रति भी अनुरक्त होती है। अलग अलग विषयों में फल है, पर कैकेयी के विषय में तो इतना कठोर दोहा है। बड़े प्रसिद्ध धनिक थे, अब नहीं है, बड़े अच्छे स्वभाव के थे, बहुत ही सरल थे। उससे उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि कैकेयी के पक्ष में आप एक बड़ा लेख लिख के दीजिए, मैं उसे प्रकाशित करूं। तो मैंने कहा कि विनम्रता पूर्वक का मेरे लिए संभव नहीं, क्योंकि मैं तो तुलसीदास जी की रामायण का ही हमारा आधार है, और वहां जो मान्य नहीं है वो आपकी प्रसन्नता के लिए तो मैं नहीं लिख सकता। तो दुखी हुए, लेकिन गोस्वामी जी ने कैकेयी जी के लिए जो लिखा वो शब्द तो कठोर से कठोर है। वे कहते क्या, कलह रूप कल कैकेयी सुमिरत काज न साए। कैकेयी मूर्तिमती कैकेयी कलयुग है, ध्यान रखिए। गोस्वामी जी जब ये कहते हैं कि कलयुग में मैं श्री राम के सन्मुख कौन जाता, तो ये कहते हैं कैकेयी क्या है, मूर्तिमती कलयुग है। जो कैकेयी के भक्त हो वो बहुत बुरा नहीं मान जाएंगे, ये दोहा मेरा बनाया हुआ भी नहीं है, ये गोस्वामी जी का दोहा है, और उसमें सूत्र अगर आप समझ लें तो आपको वैसा ही लगेगा। देखिए, अगर उस दृष्टि से विचार कीजिए तो कोई बुरा नहीं है रामायण का पात्र, लेकिन यूं कहिए कि जैसे नाटक का जब खेल होता है, नाटक के मंच पर जब अभिनेता पाठ करते हैं तो उस समय जो है मूलतः वो अभिनेता है, लेकिन मंच पर उन्हें जब दिखलाया जाता है एक पात्र को अच्छा एक को बुरा, एक को श्रेष्ठ श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट, तो उस समय दर्शक वही मान के चलेगा तो नाटक से सीखेगा, और वही मान के नहीं चलेगा तो बस नाटक में कुछ सीख ही नहीं सकता। अगर नाटक में ये दिखाया गया कि ये कार्य बुरे हैं, इस व्यक्ति ने ये बुरा कार्य किया, इसका परिणाम ये हुआ, और वहां बैठे बैठे आप कह रहे कुछ नहीं है, तो दिखावा हो रहा है, ये तो नाटक है, तो नाटक के उद्देश्य को आपने समाप्त कर दिया। और उस संदर्भ में कैकेयी जी क्यों, रावण भी बुरा नहीं,
कुंभकर्ण एक रात भी बुरा नहीं, कोई बुरा नहीं। अगर रामायण एक बड़ा नाटक है तो उसमें सारे पात्र अपनी अपनी भूमिका कर रहे हैं, पर रामायण का उद्देश्य जो है वो तो विशेष है, और विशेष उद्देश्य यह है कि इन पात्रों के द्वारा क्या बताना चाहते हैं। तो जब कैकेयी को कलयुग के रूप में गोस्वामी जी कलयुग कहते हैं और कहते हैं उनका स्मरण करने से ही सारे कार्य नष्ट हो जाते हैं, तो एक सज्जन कहने लगे कैकेयी महान, और उनसे उनके द्वारा जब मैंने सुना कि मंथरा सबसे महान, तब तो मैं चकित हो गया। मैंने कहा कि फिर आपके घर में पुत्री का जन्म हो तो मंथरा ही नाम रख दीजिएगा, मंथरा ही अगर महानतम है। उन्होंने कहा जो परम गुरु है, और वो परम गुरु तो है, रामायण में भी है गुरु, पर गोस्वामी जी कलयुग क्यों कह रहे हैं उनको? उसका अभिप्राय है कि कैकेयी का जो चरित्र है भ्रम उत्पन्न करने वाला है। कैकेयी जी के विषय में सारे अयोध्या में प्रसिद्ध या प्रसिद्ध था कि कैकेयी तो इतना प्रेम राम से करती हैं का जितना प्रेम वो अपने पुत्र भरत से भी नहीं करती। इतनी पतिव्रता है कि पति के साथ युद्ध क्षेत्र में भी वे रथ पर बैठ करके जाती है। इतना प्रसिद्ध ऐसा विग्रह, ऐसी उनकी मूर्ति थी। बहुत बढ़िया व्यंगात्मक प्रसंग आता है कि जब चित्रकूट में ये माताएं आई और उधर महाराज जनक के साथ सुनैना जी भी आई, तो सुनैना जी माताओं से मिलने गई, संवेदना प्रकट करने गई, क्योंकि महाराज दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी। और उस समय जब एक सुमित्रा जिस समय वार्तालाप होने लगा, कब उस समय उदास स्वर में सुनैना जी ने कहा, क्या बतावे कैसी विडंबना है, ब्रह्मा क्या करता है जो जो सृज पालई हरे भौरी बाल केली सम विधि मति भौरी। ब्रह्मा का कार्य तो बच्चों की तरह है, बच्चे बनाते हैं बढ़िया खिलौना, उसको वो खेलते हैं तोड़ देते हैं, इसी तरह से वो कार्य करता है। सुमित्रा जी ने और कठोर शब्द कह दिया, और वो वाक्य जो था कैकेयी के प्रति ही था। उन्होंने कहा ठीक ही तो है, बच्चा तो बच्चा है, लेकिन किया क्या जाए। बोले सुनिए सुधा, देखिए गरल, और सब करतूत कराल। अमृत का तो नाम ही सुनने को मिलता है, जहर तो देखने को मिल जाता है। और जह तह काक उलूक बक मानस सकृत मराल। हंस का नाम सुनते हैं मिलते ही नहीं, कौए बगुले सब जगह दिखाई देते। अमृत का नाम सुनते हैं पर जहर, मानो कैकेयी की ओर संकेत था। इतना नाम इनका, कितनी अमृतमयी पर विषमयी निकली। हंस के समान लग रहा था, पर यह तो क्या विपरीत वृत्ति है। जब यह शब्द कहा तो कौशल्या जी समझ गई। समझ जाने का अभिप्राय यह था कि कैकेयी का कार्य तो इतना निंदनीय था कि पूरी अयोध्या ने उनका बहिष्कार किया था, कोई उनसे मिलना और देखना भी नहीं चाहता था। पर कौशल्या जी का स्वभाव तो बड़ा उच्च कोटि का है। जब समझ गई कि सुमित्रा जी का यह व्यंग और आक्षेप कैकेयी की ओर है, तो उन्होंने यही कहा, कौशल्या कह दोष न काहू कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। क्यों किसी को दोष दिया जाए, कर्म के द्वारा ही सब कुछ हुआ करता है। एक सांत्वना देने की बात उन्होंने कही, पर मानो मूल तत्व यह है कि आप जैसा अपने को दिखलाते हैं, हम अपने आप को जैसा दिखलाते हैं, अगर व्यवहार में ठीक से उल्टे निकले तो और क्या कलयुग है। और यही मानो गोस्वामी जी कहते हैं कला रूप कल कही गई। कलयुग का विशेष लक्षण क्या है? विरोध, ईर्षा, क्रोध, दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा, ये मानो कलयुग के लोगों का विशेष लक्षण है। और कैकेयी जी की भूमिका वैसे ही तो निकली। महाराज दशरथ तो कैकेयी को इतना सम्मान देते हैं कि उन्होंने ये सोचकर की कि कैकेयी से उड़ार तो कोई है ही नहीं, क्योंकि महाराज श्री दशरथ से महारानी कैकेयी ने यह कहा कि यद्यपि मेरे पिताजी ने आपसे यह वचन लिया था कि मेरे गर्भ से उत्पन्न होने वाले पुत्र को राज्य दिया जाए, पर मैं कहती हूं कि ना, राज्य तो राम को मिलना चाहिए। कोई इतनी उदारता की भाषा बोले तो उसके विषय में कितना ऊंचा सम्मान का भाव जगेगा। इसीलिए आप देखेंगे
विवाह के वचन का कभी वाक्य कैकेयी जी ने नहीं महाराज दशरथ से कहा कि वे पिताजी ने वचन लिया, उस वचन को स्वयं छोड़ चुकी थी वो। और तब स्त्री गोस्वामी जी ने इसको काव्य में रूपक के द्वारा समझाने की चेष्टा किया। नदी में लोग नहाने जाते हैं और जब कोई पर्व होता है तो और भीड़ जाती है और पर्व में दुर्घटना होने की संभावना भी रहती है। तो जहां पर पर्व में कहीं पर नदी में घाट बना हुआ हो, घाट नहीं है तो पता ही नहीं है कि नीचे कितना जल है, गया और इतना जल है कि डूब गया। तो जहां सीढ़ियां बनी हुई हैं का वहां उस सीढ़ियों के द्वारा व्यक्ति जानता है कि धीरे धीरे सीढ़ी से उतरेंगे और जहां तक सीढ़ी है वहां तक पहुंच के नहा लेंगे। गोस्वामी जी ने इसी कवि ये जो रूप है यही रामराज्य के संबंध में रामायण के प्रारंभ में लिखा। उन्होंने कहा अयोध्या में एक महापर्व आ गया, कौन सा? बोले राम राज हित मंगल साजा और परब जोग जन जिरऊ समाजा। भीड़ हो गई, अयोध्या में आनंद की बार आ गई, लेकिन सीढ़ी सहायक भी और बहुत खतरनाक कब हो जाती है कि सीढ़ी के सहारे तो व्यक्ति निश्चिंत हुआ और ये भूल गया कि सीढ़ी में लगी है काई। अब वो निश्चिंत होके जो ही उतरेगा तो डूबने के पहले ही वो तो फिसलेगा और फिर जो गिरेगा तो हड्डी टूटेगी कि मरेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। गोस्वामी जी ने कहा दशरथ जी ने समझा कि कैकेयी सीढ़ी है, जब कैकेयी ही कहती है कि राम को राज्य मिले तो राम राज्य में तो कोई बाधा ही नहीं, निश्चिंत है। और वो निश्चिंत भाव से इसीलिए जिस दिन राज्य देने की बात थी उसके एक दिन पहले सायंकाल के समय दशरथ जी बड़े प्रसन्न मन से कैकेयी के पास गए और सुन भी लिया कि वो कोप भवन में बैठी हुई है, तो भी जो है का उनको लगा कि नहीं नहीं ऐसे कोई बात होगी, भीतर गए और जाते ही कैकेयी से कहा महारानी आपने सुना आप जो मुझसे कहती रहती थी आज होने कल होने जा रहा, आप कैसे ऐसे बैठी? क्या? बोले भामिनी भयो तोर मन भावा, घर घर उत्सव बाज बढ़ावा। सारे अयोध्या में बाजे बज रहे, उत्सव की तैयारी हो रही, तुम जो चाहती थी राम को राज्य मिले वो होने जा रहा। पर गोस्वामी जी ने कहा ये राजन कैकेयी के सीढ़ी से उतर रहे थे लेकिन हुआ क्या, काई लगी हुई थी उस सीढ़ी में और उससे ऐसे फिसले हड्डी का प्राण ही चला गया। वो क्या है? बोले काई कुमति कैकेयी केरी। अब मैं तो क्या करूं, रामायण में तो ये लिखा हुआ कैकेयी की दुर्बुद्धि की जो काई है उस पर ध्यान नहीं गया, निश्चिंत होकर के यह विश्वास लेकर के कि कैकेयी तो राम राज्य में सहायक है वो जा रहे थे। पर गोस्वामी जी ने कहा इतनी बड़ी विपत्ति आ गई कि काई कुमति कैकेयी केरी परी जा सुफल विपत्ति घनेरी। इतनी बड़ी विपत्ति आ गई, महाराज श्री दशरथ की क्या दशा हो गई, मानो वह कलयुग का रूप जो दिखाई कुछ दे व्यवहार में कुछ हो, जहां पर हृदय में फिर एक वरदान नहीं दो वरदान चाहिए, मेरे पुत्र को राज्य में ले, कौशल्या के पुत्र को वन में जाना पड़े, 14 वर्ष वन में भटक गए, यही तो इस युग की प्रवृत्ति है। हम अपने लाभ से भी अधिक चिंतन करते हैं कि दूसरे को घाटा अवश्य होना चाहिए, हम अपनी उन्नति से भी चिंतित करते हैं कि दूसरे का पतन अवश्य होना चाहिए, यही कैकेयी के दो वरदानों में दिखाई देता। और यह जो कलह रूप कैकेयी है, सुमृत काज नसाय, और काज तो ऐसा नष्ट हुआ क्यों, उन्होंने गुरु दीक्षा ले ली थी, वो जिन सज्जन ने कहा महानतम संत है मंथरा में उनके लिए क्या कहूं। मंथरा को गोस्वामी जी ने लिखा व्यंग भरे शब्दों में लिखा कि महाराज श्री दशरथ जब गए कैकेयी के पास और वो कैकेयी को मनाने लगे, कहा राम को राज्य मिलने वाला है, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारे आंख नेत्र कितने सुंदर है, तुम्हारी वाणी कितनी सुंदर है, पर बोल नहीं रहे। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कैकेयी बोली क्यों नहीं, अथवा वे अपनी बात जो बाद में कहती हैं वो पहले कह देती? तो गोस्वामी जी ने कहा कैकेयी मसान साधना कर रही थी, कई लोग मसान जगाते वो मसान जगा रहे थे और कैकेयी ने ऐसा मसान जलाया कि सारे अयोध्या को मसान बना दिया, घर मसान। जब भरत जी आए तो देखा
धर्म सान जन परिजल भूता पत हित हे तो मनो जमदूता बागन बिटप केली केली कुहेलाही सरित सरोवर देखने जाही। वह स्मशान साधना या बम मार्ग की कठिनतम जो साधना जो भक्त नहीं स्वीकार करते, कपट सयान ने कहा तो कछु जागत मनो मसान। पूछा मसान ये साधना किससे सीखी, क्या गुरु वशिष्ठ से, क्या उन्होंने मसान साधना के लिए कहा? बोले नहीं, इनके गुरु दूसरे। कौन है? गोस्वामी जी ने उनका नाम उसी रूप में दिया, मंथरा इनकी गुरु है। मंथरा? अरे वो दासी जो घर में इस तरह उधर किया करती थी। बोले तुम नहीं जानते हो, ये मंथरा सबसे विशेष है। क्या विशेषता है? भरत जी कौन है? बोले भगत शिरोमणि भरत थे, भरत जी भरत शिरोमणि। और ये मंथरा? गोस्वामी ने कहा कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई, करोड़ करोड़ कुटिलों में भी जो सबसे बड़ा कुटिल हो वो मंथरा। और उससे दीक्षा ले लिया, और नाम तो मंथरा था ही, नाम भी पढ़े साहित्यिक अर्थों में रखे जाते थे। तुलसीदास जी के उनकी तो मान्यता है, और उन्होंने कहा कि रकार और मकार में तो मधुरता ही मधुरता, आखर मधुर मनोहर दो। ये कितने मधुर आखर है, कितने मनोहर है, और कितना बढ़िया शब्द सुना कि मधुर लिखिएगा तो भी रकार मकार तो रखने पड़ेगा उसमें, मनोहर तो भी रकार मकार है, मंगलकारी है तो भी रकार मकार है। गोस्वामी जी कहते ऐसा वर्ण कोई है ही नहीं, और ऐसा कोई श्रेष्ठ शब्द ही नहीं है कि जो बिना रकार मकार के बने। ये भक्तों की अपनी आंख होती है, वो कहेंगे वेदांत का ब्रह्म क्या है उसमें भी तो रकार मकार है, भक्तों का प्रेम क्या है उसमें भी रकार मकार है, धार्मिकों का धर्म क्या है रकार मकार है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं यह जो राम नाम है एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर जाओ तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजित दो, सर्वश्रेष्ठ अक्षर है। पर समस्या तब आई कि भाई रकार मकार की इतनी महिमा, मंथरा में तो रकार और मकार दोनों ही है, रकार मकार क्या है रा भी है और म भी है, तो इसकी स्थिति तो बड़ी ऊंची होनी चाहिए, पर नाम में तो सारा रहस्य छिपा हुआ है। क्या है कि एक तो रा और म को दूर कर दिया गया, बीच में एक ऐसा अक्षर जुड़ गया कि जो रा और म को दूर कर देता है, और दूसरा म को पहले कर देता है और रा को बाद में कर देता है। मंथरा की इससे बढ़िया कोई व्याख्या नहीं हो सकती। रा जो है मानो राम है, अर्थो राम, और मकार मानो जीव है वो श्री भारत, दोनों ब्रह्म और जीव निरंतर संग रहते हैं। इसी प्रकार से राम जो है शब्द जो है निरंतर संग ही संग्रह करके वो स्वामी जी कहते हैं इनको राम लक्ष्मण कहिए राम भरत कहिए, कहो दोनों न अलग होने वाले। मंत्र का विपरीत स्वभाव ये है कि राज्य ईश्वर को नहीं भरत, ईश्वर नहीं प्रमुख है, राम पीछे भरत पहले, पर कोई बात नहीं। पर व्यंग भरा शब्द, ये शब्दों को लेकर के भी अक्षरों को लेकर भी बहुत कुछ लिखा गया। कई दो रकार रा और म के बीच में एक शब्द और है, थ है, और उसमें आधा न जुड़ा हुआ। आप जानते हो उपनिषद की कथा आपने सुनी होगी, ब्रह्मा से देवता देवतियों मनुष्यों ने पूछा हमें उपदेश दीजिए, तो संसार का सबसे संक्षिप्त भाषण जो था वो ब्रह्मा जी ने दिया, और वो एक शब्द का नहीं एक अक्षर का भाषण था। उनका द द अक्षर कह दिया, और सबने प्रश्न अच्छे समझदार रहे होंगे, पूछा अलग अलग बोला कि तुमने क्या अर्थ लिया। देवतियों ने कहा कि ऐसा लगता है कि हम लोग बड़े कठोर कार्य करने वाले हिंसक हैं, इसलिए द से तात्पर्य दया से है, आप कह रहे हैं तुम दया करो, ठीक तुमने ठीक अर्थ लिया। आपने मनुष्यों से पूछा तुमने क्या अर्थ लिया, उन्होंने कहा हम लोभी होते, तो द का अर्थ दान है, लोभी व्यक्ति अगर दान दे तो अपने आप लोभ की वृत्ति कम हो जाएगी, तो द का अर्थ दान है। और देवताओं ने उन्होंने कहा हम लोग भोगों में डूबे रहते हैं, तो आप द का अर्थ दमन है। ये द अक्षर जो है बड़ा ही रहस्यमय है, पर यह द अक्षर जिस वर्णमाला का है उसी वर्णमाला का थ भी है और द भी है। जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो क्या हुआ, त थ द, मानो संकेत यह है
कि आप द तो तब पहुंच तक तब पहुंचेंगे जब थ को पार करें। और यह जो मंथरा है जो ईश्वर जीव में दूरी उत्पन्न करती है, भेद बुद्धि उत्पन्न करती है, और द से पहले व्यंग वाला शब्द है थ और उसमें भी नकार जोड़ा हुआ निषेध। वो व्यंग श्लोक आपने सुना होगा, कोई काशी में नंदन साहू थे, किसी संस्कृत के कवि को लगा कि कोई कविता सुनाने तो कुछ न कुछ देंगे, जब गए तो सुन तो लिया था महाराज, फिर कभी अभी नहीं देंगे। जब लौटे तो किसी ने कहा कि नंदन साहू ने आपको क्या दिया, बोले क्या दिया, मेरी मूर्खता थी, मुझे जाने नहीं चाहिए था, क्या हुई मूर्खता, बोले मैंने नाम पर ध्यान दिया होता तो न जाता, क्या, बोले आदो नकार, नंदन के प्रारंभ में भी न और परतो नकार, अंत में भी न, बीच में नकार तो था पर उसमें भी न घुस गया, तो यहां पर तीन तीन नयों का दान शक्ति खल नंदन से, वो नंदन क्या दान देता, दो न और उसके बीच में दस से दान बनता तो उसमें न ने आकर के उसको भी मार दिया। मानो मंत्रा माने महाराज दशरथ राज्य का दान देने के लिए प्रस्तुत है, दकार की वृत्ति को रोक करके वो नकार के द्वारा जो उसके विरुद्ध कार्य करती है, कई कई के मन में बात बैठा देती है, किस भ्रम में वो मंत्र दे दिया, और मंत्र बता दिया था बोलना मत, जैसे बता देते हैं मसान साधना में बहुत देर तक नहीं बोला जाता है, आवेंगे दशरथ मना लेंगे, कुछ भी करे बिल्कुल मत बोलना, तब बोले, बोले भूपति राम शपथ जब करी तब मांगे कुछ ये वचन नटारे, कितना भी कहें कि जो कहोगे करेंगे, चुप, सत्य का नाम ले चुप, राम की शपथ कह रहे बस उस समय बोल पाता, सचमुच कह के ही ने वही किया, और कितना अमंगल और अनर्थ उस वरदान के नाम पर उन्होंने जो अयोध्या के लोगों को महानतम पीड़ा और कष्ट, पिता के पति के मृत्यु का जो कारण बन गई, गोस्वामी जी कहते हैं वह कह के ही तो साक्षात कल की रूप है, इतनी भयानक स्थिति।